हेलो डी स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर टेन फोर क्लास नाइन्थ विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लिए, लिए शेड्यूल की गई है आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें हम एक पैराग्राफ दिया गया है यहाँ पे गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं सो so, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए सो so, देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए तो आपको पहले गद्यांश पढ़ना है फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे तो देखिए दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले तो ये जो गद्यांश है ये आपका जो चैप्टर लासा की ओर वहां से लिया गया है तो दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर कहाँ चले ऊपर की ओर चले डांडे से पहले एक चाय पी और दोपहर के वक्त हम डांडे के ऊपर जा पहुंचे हम समुद्र तल से सत्रह से अठारह हजार फिट ऊंचे खड़े थे तो समुद्र तल से सत्रह से अठारह हजार फिट जो है वो ऊपर थे हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर जो है वो चले गई थी यानी हजारों श्वेत शिखर यानी जो चोटियां हैं वो हिमालय की वो बर्फ से ढकी हुई थी बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे न वहाँ बर्फ की सफेदी थी न ही किसी तरह की हरियाली उत्तर की तरफ बहुत करम, कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था तो सर्वोच्च स्थान पर किसका स्थान था डांडे के 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 देवता का जो पत्थरों ढेर जानवरों सींग और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था अब हमें बराबर उतराई पर चलना था चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी लेकिन उतराई जो है वो बिल्कुल नहीं तो चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन उतरना जल्दी जो है हम कहीं पे भी चढ़ाई से जल्दी उतर जाते हैं शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रही थी मेरा घोड़ा कुछ धीमे ही चलने लगा मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था लेकिन धीरे धीरे मैं बहुत पिछड़ गया यानी बहुत पीछे जो है वो रह गया और मैं तो उनके वस्तुओं की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला आ रहा था जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है पीछे यानी घोड़े की जो स्पीड है वो बहुत कम हो गई थी ठीक है तो जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जो है उसको मारना उचित नहीं समझा अब आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे पहला प्रश्न है सर्वोच्च स्थान पर किसका स्थान था तो सब सर्वोच्च स्थान पर किसका स्थान था अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में ऑप्शन है डांडे के देवता का बी डांडे के दानव का डी है सी है डांडे के गुरु का या डी है डांडे के निवासी का तो सही आंसर ए हो जाएगा डांडे के देवता का स्थान जो है सर्वोच्च है क्लियर है नेक्स्ट देखिए प्रश्न दो ऊपर की ओर लेखक किस पर सवार होकर निकले गधों पर घोड़ों पर खच्चर पर या मोटर पर तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऊपर की ओर लेखक जो है वो घोड़ों पर सवार होकर निकले बी जो है इसका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है बहुत कम बर्फ वाली चोटियां किस देश में थी? थी किस दिशा में थी पूरा में दक्षिण में उत्तर में या पश्चिम में तो बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ जो है वो किस तरफ थी उत्तर में थी सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है लेखक समुन्द्र तट से कितने हजार फीट ऊंचाई पर खड़ा था तो जो लेखक है वो कितने हजार फीट ऊंचाई पर था सोलह से सत्रह अठारह से उन्नीस पंद्रह से सोलह सत्रह से अठारह तो सही आंसर हो जाएगा डी सत्रह से अठारह हज़ार फीट की ऊंचाई पर खड़ा था नेक्स्ट है प्रश्न पाँच है दिन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा तो दिन का विलोम बताना है विलोम का अर्थ होता है उल्टा तो दिन का क्या होगा रात भोर सुबह या शाम तो दिन का क्या हो जाएगा दिन का हो जाएगा रात ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ से आप पांच क्वेश्चंस को कर लीजिए वीडियो पॉज करके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया गया है दोपहर शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द क्या होंगे तो देखिए दोपहर है तो उपसर्ग क्या होते हैं जो मोज़ की तरह आगे लगते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है तो उपसर्ग और मूल शब्द यहाँ पर अलग करने हैं तो ऑप्शन ए दिया गया है दोप जमा हर बी है दो पह और डी है दोपहर ऐसे कैसे दे दिया तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें इसमें सही आंसर सी हो जाएगा दो और पहर दो जो है है पे उपसर्ग है और मूल शब्द यहाँ पे पहर रहेगा ठीक है है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन है थकावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय उनको अलग करना है तो ए दिया गया है थकाओ जमा ट बी है थक जमा आवट सी है जमा कावट और डी जो ऑप्शन है आपको दिया गया है थका जमा थका जमावट ठीक है तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका आंसर बी जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लियर थक जमा आवट इसमें देखिए मूल शब्द और प्रत्यय क्या होते हैं जो पूछ की तरह पीछे लगते हैं तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका थक जमा आवट क्लियर थकावट थक जमा आवट बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट है साथी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा ऑप्शन है शत्रु बी दुश्मन सी मित्र और डी है अरी तो साथी का समानार्थी बताना है साथी यानी मित्र सी जो है इसका राइट right आंसर हो जाएगा बाकियों का जो है अर्थ शत्रु दुश्मन अरी ये सब ऑपोजिट हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है इन शब्दों में तत्सम शब्द चुनकर लिखे तत्सम शब्द यानी जो संस्कृत के शब्द जो के त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं ऑप्शन ए है, है पलटन, बी आबाद सी स्वेत और डी है फौजी तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फौजी ठीक है ये जो है क्या है तत्सम शब्द है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन गिरी और पर्वत शब्द की शब्द का पर्यायवाची शब्द है गिरी और पर्वत ये आपको बताना है तो गिरी और पर्वती है किसका पर्यायवाची शब्द है झरना मैदान नदी नहीं है सही आंसर इसमें हो जाएगा आपका पहाड़ सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ये थी आपकी आज की हिंदी की असेसमेंट वर्कशीट आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ टेक केयर बाय बाय